कॉमेडियन कपिल शर्मा घूस मांगे जाने से बेहद नाराज हैं। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा। कपिल की माने तो मुंबई में उनके दफ्तर बनाने के सिलसिले में कागजी कार्रवाई के लिए बीएमसी के अधिकारियों ने 5 लाख रुपए घूस की मांग की है। सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा ने घूस मांगने से आहत होकर ट्विटर पर पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए लिखा, ये है आपके अच्छे दिन। कपिल शर्मा ने इसको लेकर 2 ट्वीट किए। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने 5 लाख रुपए घूस का जिक्र करते हुए ट्विटर पर लिखा, पिछले 5 सालों में मैंने 15 करोड़ इनकम टैक्स दिया है, लेकिन मुंबई दफ्तर से जुड़े काम के लिए 5 लाख घूस देनी पड़ रही है। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया है कि आखिर किस काम के लिए और कौन घूस में पैसे मांग रहे हैं। कपिल शर्मा के इस आरोप पर बीएमसी का बयान आया। बीएमसी ने कहा कि कपिल शर्मा घूस मांगने वाले अफसर का नाम बताएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कपिल शर्मा से घूस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए कहा। सीएम फडणवीस ने ट्विटर करके कहा कि कपिल भाई मामले की जानकारी दें, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि वो कॉमेडियन कपिल शर्मा पर घूस मांगे जाने की तुरंत शिकायत करने के बजाय मामले को पहले सोशल मीडिया में लाने के लिए साइबर सेल में मामला दर्ज कराएंगे।